नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी से। आज का टॉपिक मैंने बहुत कॉमनली लिया है, कमर दर्द की समस्या, पैर दर्द की समस्या। आजकल मरीज बहुत मुझे बताते हैं कि मुझे कमर में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है, तो मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया सियाटिका। सियाटिका बड़ा मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है, मतलब ये टॉपिक ऐसा है जिसमें लोगों को समझ में नहीं आता कि तकलीफ एक्चुअली हो क्या रही है। हम सोच रहे हैं कि हमारे कमर में दर्द है, या हम सोच रहे हैं हमारे पैर में दर्द है, दर्द ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। बड़ा मिसडायग्नोज फैक्टर है। एक्चुअली सियाटिका कोई बीमारी नहीं है, पहली बात नोट कर लीजिए। सियाटिका किसी भी तरह की किसी बीमारी का नाम नहीं है। सियाटिका एक तरह का नर्व कंप्रेशन है, सियाटिक नर्व का। सियाटिक नर्व जो हमारे बैक से निकलती है, राइट साइड में एक पैर में है और लेफ्ट साइड में एक, जो कमर से होते हुए, हिप से होते हुए, पीछे से होते हुए नीचे की तरफ जाती है, तो हील्स की तरफ। अब ये सियाटिक नर्व के दबने से जो तकलीफ होती है, जो पेन होता है, झुनझुनी हो सकती है, पैर में जलन आ सकती है, पैर में हल्कापन लग सकता है, वीकनेस लग सकती है, ये इस बीमारी या इस तकलीफ को हम सियाटिका कहते हैं। सियाटिका लोगों ने बीमारी जैसे सोचा हुआ है, सियाटिका बीमारी नहीं है। सियाटिका किसी बीमारी की वजह से होने वाला एक लक्षण हो सकता है, जैसे कि कमर की डिस्क दब जाना, तो सियाटिका हो सकता है। डिस्क डिजनरेट हो जाना, खराब हो जाना, तो सियाटिका। या पोस्चर की प्रॉब्लम हो, तो डिस्क दब रही हो, तो सियाटिका। अभी हम मेन काम की बात पे आते हैं कि क्या लक्षण मेनली होते हैं। लक्षण जो हो रहे हैं, पैरों में जलन आ रही है, पैरों में झुनझुनी हो रही है और दर्द कहाँ से होता हुआ, थाइस से होता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। चार दवाइयों का नाम मैं आपको नोट करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, इसे नोट करके रखिए। पहली दवाई है मैकफॉस 30, मैग्नीशियम फॉस्फोरिका 30, चार चार गोली सुबह शाम। दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स 1 mg, चार चार गोली सुबह शाम। तीसरी दवाई है नक्सवामिका 200, चार चार गोली सुबह शाम। और चौथी दवा है लाइकोपोडियम 200, चार चार गोली सुबह शाम। ये चारों दवाई बहुत ही कॉमन दवाइयां हैं जो सियाटिका के केसेस में कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर्स यूज करते हैं। दवाइयां वेरी हो सकती हैं कंडीशन के हिसाब से, मोस्ट ऑफ द केसेस में इन दवाइयों से मरीजों को उनके लक्षणों में आराम मिलेगा। बीमारी का जो भी कारण हो, उस कारण के पीछे जाएंगे तो और डिटेल में प्रिस्क्रिप्शन आपके होम्योपैथी डॉक्टर आपको करेंगे, आप उनसे बात कीजिए। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि सियाटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से होने वाला जो दर्द है सियाटिका, उसमें आपको आराम लगे। सियाटिक नर्व जो कमर से होते हुए आपके कोधों के होते से होते हुए पीछे की तरफ जाती है, ये सियाटिक नर्व कंप्रेस होगी, पैरों में जलन होगा, झुनझुनी होगी, पैर में भारीपन लग सकता है, हल्कापन लग सकता है, ये किसी भी तरह का लक्षण हो सकता है। पहली दवा मैकफॉस 30, चार चार गोली सुबह शाम। दूसरी दवाई रस्टॉक्स 1 mg, चार चार गोली सुबह शाम। तीसरी दवा नक्सवामिका 200, चार चार गोली सुबह शाम। और चौथी दवाई लाइकोपोडियम 200, चार चार गोली सुबह शाम। इनके साथ में आपको कैल्शियम की दवाइयां भी आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे। एक और दवा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने जो दो दवाइयां आपको बताई है नक्सवामिका 200 और लाइकोपोडियम 200, ये दवाइयां उन मरीजों के लिए जिनका पेट भी गड़बड़ होता है, इनका पेट अक्सर खराब हो जाता है, मोशन में प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है, डकारे आती है, पेट फूलता है, इस तरह की कंडीशन में ये दवाइयां काम आती है। और एक और दवाई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है मैग्नीशियम फॉस्फोरिका 3x, मैकफॉस 3x, चार चार गोली दिन में 3 बार। ये डोज भी आप साथ में रखिए ताकि किसी तरह की और कोई समस्या होती है, दर्द होता है, तो उसमें भी आपको बहुत जल्दी आराम लगेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूंगा। वीडियोस को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो लगातार मिलने के लिए आप सब्सक्राइब बटन के बाजू में बेल आइकॉन है, उसको जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद आपको रेगुलर इस वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा। हमारा उद्देश्य है आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें और आप किसी भी बड़े बीमारी को आप अपने ही जगह पे रहते हुए ट्रीट करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।